गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आखिर योगी जी का राज है और ऐसे में भला आम लोगों के लिए कैसे गलत हो सकता है, क्योंकि योगी जी किसी भी गलत कार्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको बता दें कि योगी जी का सबसे बेहतरीन काम यह है कि खास व्याम योगी जी के दरबार में सभी को एक नजर से देखा जाता है। आपको बताते चले कि तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। पेट्रोल पंपों पर अगर घटतौली हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के पेट्रोलियम डीजल पंपों पर की जाने वाली घटतौली मिश्रण की शिकायतों की जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के द्वारा तहसील स्तर पर 6 सदस्य वाली कमेटी का गठन किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल पंपों की जांच में विधिक मापक अधिनियम 2009 एवं उसके अधीन स्थापित नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर बाट माप विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जांच में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर आपूर्ति विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं समस्त उपजिलाधिकारियों के द्वारा भी तहसील के अंतर्गत पेट्रोल पंपों की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिनमें अथक एचपी लोनी पेट्रोलियम, हरवंश फिलिंग प्वाइंट लोनी, जयचंद मुखिया एचपी फिलिंग प्वाइंट भोपुरा शामिल हैं। उपजिलाधिकारी सदर के द्वारा 3 पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया गया, जिनमें त्यागी सर्विस स्टेशन वसुंधरा, श्रीराम सर्विस स्टेशन मोहन नगर एवं राजब्रास हाई स्टेशन वैशाली शामिल है। उपजिलाधिकारी मोदीनगर के द्वारा 2 पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया गया, जिनमें नेशनल फिलिंग सेंटर मोदीनगर एवं एमएस प्रकाश इंडियन ऑयल मुरादनगर शामिल हैं। शासन के दिए गए निर्देशानुसार जनपद के सभी पेट्रोल पंपों का निरीक्षण आगामी दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा और कहीं कोई भी शिकायत पाई जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।